हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फाइल मेन्यू के अंदर सेव ऑप्शन तक कवर कर लिया था। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रिंट। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। न्यू के जस्ट नीचे क्या है? प्रिंट। तो हम लोग अब प्रिंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। ओके, तो देखिए, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, अब मैं इस पर कुछ वर्क करती हूँ। तो आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। तो मैं सेव वाले ऑप्शन मेन्यू में जाऊंगी और प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर पेज की प्रीव्यू शो हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो पेज को, देखो। और जब आप इस पर क्लिक करते हो, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर देखो कॉपीज़, आप कितने कॉपीज़ करना चाहते हो, आप कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हो। तो आप देख, मैं जूम इन कर रही हूँ, यहाँ पर 1 कॉपीज़ है। मैं 2, 3, 4, 5 कर देती हूँ। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर है प्रिंटर। आपको प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा प्रिंटर आपके पास, जो भी प्रिंटर हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, देखिए उसके जस्ट नीचे सेटिंग्स क्या है, सेटिंग्स। यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस क्या है, प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट दी इंटायर डॉक्यूमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए, एक है प्रिंट ऑल पेजेस। आप ऑल पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, प्रिंट द इंटायर डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर है प्रिंट करेंट पेज। आप केवल करेंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, प्रिंट कस्टम रेंज। आप ऑल पेजेस को प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर है प्रिंट वन साइडेड। आप केवल वन साइड प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या करो, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। देखो, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ जाएंगे, मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड। अगर आप दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद है कलेक्टेड। अगर आप कलेक्टेड प्रिंट करना चाहते हो, जैसे 1, 2, 3, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर अनकलेक्टेड 1, 1, 1 ऐसे भी प्रिंट होगा। आपको जो भी सिलेक्ट करना है, कलेक्टेड या अनकलेक्टेड, तो मैं कलेक्टेड सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। आप यहाँ से ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो। अभी क्या है, अभी जो आपका पेज है वो पोर्ट्रेट में है। आप देख सकते हो ये पोर्ट्रेट में है। जैसे ही मैं यहाँ से लैंडस्केप करूँगी, देखो मैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेती हूँ। क्या सेलेक्ट करूँगी, लैंडस्केप। आप देखो आपका जो पेज का प्रीव्यू है वो ऐसा प्रिंट होगा। आप यहाँ पर प्रीव्यू दे सकते हो, आपका जो पेज है वो ऐसा प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हो तो आपका जो पेज है वो ऐसा प्रिंट होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर है साइज। आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो, A4, जिस साइज का आपका प्रिंटर है A3, तो मैं A4 सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर है नॉर्मल मार्जिन। आप मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से नैरो, जो भी आपको मार्जिन सेलेक्ट करना हो आप कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर है 1 पेज पर सीट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। देखो 1 पेज पर सीट, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, मतलब एक सीट में एक ही पेज। देखो यहाँ पर है 2 पेजेस पर सीट, मतलब एक पेज में देखो यहाँ पर 2 पेजेस है, एक सीट में क्या है 2 पेजेस है। यहाँ पर देखो 4 पेजेस पर सीट, देखो यहाँ पर एक सीट में 4 पेजेस है, आप देख सकते हो। तो आप चाहते हो कि ऐसा हमारा जो फाइल हो ऐसा प्रिंट हो तो आप इसको सिलेक्ट करिए। आप चाहते हैं कि 6 पेजेस पर सीट हो तो आप इसको सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो मैं 1 पेज पर सीट सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। आपको जितने भी कॉपी करना हो, आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। जैसे 5 है, मुझे 10 करना है, तो मैं क्या करूँगी, 10 कर दूँगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, सेव एंड सेंड। क्या है, सेव एंड सेंड। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर सेव एंड सेंड, सेंड यूजिंग ईमेल, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, सेंड यूजिंग ईमेल। आप ईमेल के द्वारा सेंड कर सकते हैं। सेंड का मतलब शेयर करना, आप शेयर कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है सेव टू वेब, सेव टू शेयर पॉइंट, पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट। आप इस, ये जो आपका फाइल है, आप इसको ब्लॉग पोस्ट भी कर सकते हैं।
ओके। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हेल्प। क्या है? हेल्प। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प, बहुत सारा ऑप्शंस आपके सामने आ जाता है। गेट हेल्प यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडोज़ ओपन होगी वर्ड हेल्प का। देखिए मैं इसे क्लोज करती हूँ, यहाँ पर भी हेल्प का ऑप्शन है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वही वाला विंडो ओपन होगा, देखो वही वाला विंडो यहाँ पर ओपन हुआ है। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। मैं फाइल पे जाऊंगी और हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प, गेट हेल्प यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्या कर सकते हो, यहाँ से हेल्प ले सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो वही वाला विंडो ओपन होगा। अब देखो यहाँ पर है गेटिंग स्टार्टेड, सी व्हाट्स न्यू एंड फाइंड रिसोर्सेज टू हेल्प यू लर्न दी बेसिक्स क्विकली। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एमएस ऑफिस का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। देखो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, थोड़ा वेट करो, देखो ये ओपन हो चुका है। ये क्या है? एमएस ऑफिस का ऑफिशियल साइट है, ये ऑफिशियल साइट है। ओके तो मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। अब देखो नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट अस, यानी आप सपोर्ट ले सकते हो। ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, जब आप इस पर क्लिक करोगे देखो तो क्या हो रहा है, थोड़ा वेट करो, आपको जो भी सपोर्ट लेना है आप ले सकते हो। ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, देखो आप सपोर्ट यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर हाउ कैन वी हेल्प यू, आपको जो भी हेल्प चाहिए आप यहाँ पर सर्च करो। जैसे मुझे क्लिप आर्ट के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगी अबाउट क्लिप आर्ट। ओके तो देखो यहाँ पर क्लिप आर्ट के बारे में आ चुका है, टिप्स फॉर फाइंडिंग क्लिप आर्ट और अदर्स इमेजेस माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट, ये है पूरा सपोर्ट करेगा आपको। देखिए पूरा क्लिप आर्ट के बारे में यहाँ पर आ चुका है, तो आप सपोर्ट ले सकते हो इसकी हेल्प से। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उसके बाद मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ ऑप्शंस। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो वर्ड ऑप्शंस का एक विंडो ओपन होगा, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जनरल डिस्प्ले बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं इस ऑप्शन पर स्पेशल वीडियो लाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो इसी पर रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप फाइल मेन्यू में जाते हैं देन सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक टूल्स का ऑप्शन दिखता है आपको, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक सेव ऑप्शंस का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जब आप सेव ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो देखो वही वाला विंडो आपके सामने ओपन होगा, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो वही जनरल डिस्प्ले, यहाँ पर देखो कस्टमाइज हाउ डॉक्यूमेंट और सेव्ड, वही वाला विंडोज है। देखो मैं इसे क्लोज करती हूँ, जब आप फाइल में जाते हो ऑप्शंस पर क्लिक करते हो तो ये वाला विंडो ओपन हुआ। आप एक बार और देखो, यही वाला विंडो ओपन हुआ, और जब आप फाइल में जाते हो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, उसके बाद टूल्स में जा करके सेव ऑप्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ सेव ऑप्शन, तो देखो वही वाला विंडो ओपन हुआ है। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। अब देखो तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो लाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं सभी ऑप्शंस का यूज़ आप लोगों को बताऊंगी। ओके अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है एग्जिट, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एग्जिट। आप जब एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये जो करेंट में पेज आपको शो कर रहा है, ये जो फाइल शो हो रहा है, ये जो शो हो रहा है, आप इसे एग्जिट हो सकते हो, आप इससे बाहर चले जाओगे। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा, डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट, आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो उसके बाद बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप डोंट सेव, यानी कि आप बिना सेव किए ही बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप इस विंडोज़ को कैंसिल करना चाहते हो। तो मैं डोंट सेव पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो क्या होगा, ये सेव भी नहीं होगा और मैं इसे बाहर चली जाऊँगी। देखो मैं बाहर आ गई, अगेन मैं इस वर्ड को ओपन करती हूँ और देखो मैंने इस फाइल में कुछ भी नहीं करा है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। और जैसे ही मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगी देन एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो ये मेरे से कोई भी क्वेश्चंस नहीं करेगा, ये डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली मैं एमएस वर्ड से बाहर चली जाऊंगी। देखो डायरेक्टली क्या हुआ, एमएस वर्ड क्लोज हो गया।
अगेन मैं एमएस वर्ड को ओपन करती हूँ और देखो जब मैं इसमें कुछ करूँगी, जैसे मैंने कुछ इसमें टाइप कर दिया, अब मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगी, देन एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर देखो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट्स। आप इस डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो उसके बाद बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप बिना सेव किए बाहर जाना चाहते हो। तो मैं डोंट सेव करती हूँ तो ये सेव भी नहीं होगा और मैं एमएस वर्ड से बाहर चली जाऊँगी, देख सकते हो आप। अगेन मैं एमएस वर्ड को ओपन करती हूँ और देखो मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ और मैं एक और पेज लेती हूँ, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगी और देखो इसमें भी मैंने कुछ करा। अगेन मैं कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगी और तो हमारे पास टोटल 3 डॉक्यूमेंट ओपन है, आप देख सकते हो 1, 2, 3। तो मैं अभी तीसरे डॉक्यूमेंट में हूँ। जैसे ही मैं फाइल मेन्यू में जाऊँगी देन एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो देखो डॉक्यूमेंट 3 है ओपन। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ क्या है, डॉक्यूमेंट 3 ओपन है। तो ये डॉक्यूमेंट 3 के लिए स्पेशल विंडो आया है या डॉक्यूमेंट 3 के लिए पूछ रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो उसके बाद आप इससे बाहर जाना चाहते हो या फिर आप बिना सेव किए बाहर जाना चाहते हो। मैं डोंट सेव करूँगी तो केवल ये वाला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो उससे मैं बाहर चली जाऊँगी। लेकिन देखो अब ये डॉक्यूमेंट 2 के लिए यहाँ पर आया, डॉक्यूमेंट 2 के लिए यहाँ पर ये आया विंडोज़ में, इस पर डोंट सेव करूँगी तब डॉक्यूमेंट 1 के लिए देखो यहाँ पर आया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तभी मैं बाहर जाऊँगी। अब देखो मैं अगेन एमएस वर्ड को ओपन करती हूँ और मैं क्या करती हूँ अगेन इसमें ये इस फाइल को मैं पूरा ब्लैंक रहने देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी ओके। और मैं एक और पेज लेती हूँ, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगी तो एक और पेज देखो यहाँ पर 2 पेज आ चुका है। कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगी देखो यहाँ पर 3 पेज आ चुका है, अभी आप डॉक्यूमेंट 3 में हो। तो देखो अगर मैं फाइल में जाऊँगी देन एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो हमारा तीनों जो डॉक्यूमेंट है मैं तीनों डॉक्यूमेंट से बाहर चली जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं करा है, इसलिए देखो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो देखो सारे डॉक्यूमेंट क्या हुए, क्लोज हो गया और मैं एमएस वर्ड से बाहर चली आई। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।